महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे सरकार फुल एक्शन में है। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकाल के दौरान जो नहीं कर पाए वो अब सीएम शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं और महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत दे रहे हैं। यूं कहे कि सत्ता की चाबी बीजेपी के पास जाते ही किसानों के अच्छे दिन भी शुरू हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने किसानों से किया वादा कभी पूरा नहीं किया, वहीं शिंदे और फडणवीस की सरकार ने अपना वादा सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही पूरा कर दिया। शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 50,000 रुपए की सीमा में प्रोत्साहन लाभ देने का फैसला लिया है। बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया। बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। राज्य के किसानों ने इस योजना को लागू करने की मांग की थी। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान किसानों को आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है और किसानों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा किया। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्हें 2019 में भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में नुकसान हुआ है और जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण कर्ज माफी का लाभ मिला है। यदि किसी किसान के वारिश उसकी मृत्यु के बाद ऋण चुकाते हैं तो उत्तराधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं एकनाथ शिंदे सरकार ने इस योजना को जरूरतमंद किसान तक पहुंचाने के लिए क्रियान्वयन ऑनलाइन रखने का निर्देश दिया है। प्रोत्साहन लाभ प्रदान करते समय बैंकों से व्यक्तिगत किसानों द्वारा किए गए अल्पकालिक फसल ऋण की पुनर्भुगतान की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ राशि 50,000 की अधिकतम सीमा के भीतर निर्धारित की जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के उन तमाम किसानों को राहत मिली जो प्रोत्साहन राशि की आस में बैठे थे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ वादा किया था, वहीं शिंदे ने वादा पूरा कर किसानों को बड़ा लाभ दिया है। माना जा रहा है कि शिंदे को इसका फायदा आने वाले चुनाव में भी मिल सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।